राधे राधे आप सभी को। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए थाली। उसमें मैंने बनाई है हरी धनी की चटनी, मखाने की खीर, आलू की सब्जी और कोपू के पराठे। तो सबसे पहले हम मखाने की खीर बना लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन में दूध चढ़ा लेते हैं। फिर हम मखाने लेते हैं। मैं ये एक पर्सन के हिसाब से खीर बना रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाइएगा। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें घी चढ़ाऊँगी और घी में मखाने भून लेंगे। मैं अपने मखाने भून लूँगी। मखानों को धीमी धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे मखाने भून गए। अब मैंने इन्हें मखानों को दरदरा करने के लिए इमाम जिस्ते में डाल लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे मिक्सी के पसंद नहीं। मैंने इमाम जिस्ते में ही इन्हें दरदरा कूट लिया है। अब मेरे दूध में उबाल आ गया है, तो मैं इसमें मखाने डाल देती हूँ। अब ये मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए। चलिए, ये हमारे मखाने ऐड हो गए हैं। अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। और हम इसमें फ़्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची डाल लेते हैं। मुझे इलायची का फ्लेवर सारे ही मीठी चीज़ों में पसंद है, चाहे कोई मिठाई हो, खीर हो, कुछ भी। आपको पसंद है तो डाल लीजिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। इलायची का छिलका अलग निकाल देना और सिर्फ उसके बीज डालने हैं, या फिर इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास फुल क्रीम दूध नहीं था, तो मैंने इसमें एक चम्मच मलाई ऐड कर दी है। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध है तो आप उसकी बनाएंगे, तो उसमें मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, हमारी खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जैसा आपका मीठा पसंद हो वैसी चीनी डालिए। ये देखिए, ये मेरी खीर तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और खीर को ढक के रख देती हूँ। अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। ये मैंने आलू उबाल लिए हैं। ये मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है। ये टमाटर को मैंने घिस लिया है। थोड़ा सा सूखा धनिया, सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये थोड़ी सी काली मिर्च, व्रत की सब्ज़ी है तो इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं डालेंगे, सिर्फ सेंधा नमक, धनिया और काली मिर्च ही डालेंगे। अब कुकर में मैंने थोड़ा सा घी चढ़ा लिया है। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल भी चढ़ा सकते हैं। अब ये जीरा डाल देंगे। जीरे को चटकने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। चलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद उसमें हम पानी डाल देंगे। आप पानी अपनी पसंद की सब्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको पतली खानी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कीजिए, और अगर आपको थोड़ी गाढ़ी सब्ज़ी खानी है तो थोड़ा पानी कम डालिए। ये फिर उसके बाद हम कुकर में दो सीटी लगा के 5 मिनट के लिए गैस मंदी कर देंगे। तो अभी हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए, कलर भी अच्छा आया है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी में बिना धनिए के टेस्ट कम आता है। तो अब हम चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा, बस यही सामान डालने हैं। अब हम चटनी को पीस लेते हैं। ये मैंने मिक्सी में अपनी चटनी को पीस लिया है। चलिए, मेरी चटनी भी तैयार है। अब पराठों की तैयारी कर लेते हैं। पराठे के लिए हमने घिसे हुए आलू लिए हैं, थोड़ा सा घिसा हुआ घिया, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया। अब इन सबको हम, और सेंधा नमक। अब कुट्टू के आटे में ये सारे सामान डाल के
इसका हम इसको गूंथ लेते हैं। अभी हमारा आटा तैयार कर रही हूँ मैं। आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, आटा बिल्कुल हमें मीडियम रखना है। ये देखिए ये मेरा आटा तैयार है। कुट्टू के आटे में लौकी हमने इसलिए डाली है क्योंकि कुट्टू का आटा गर्म होता है और कुछ लोगों को ही नुकसान देता है, तो लौकी डालने से ये नुकसान नहीं देगा। अब एक चम्मच की हेल्प से हम थोड़ी सी इसकी ऐसे लोइयाँ बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे कुट्टू के पराठे पतले नहीं बनते, तो देखिए पिन्नी लीजिए, पिन्नी के बीच में दोनों तरफ घी लगाइए और उसमें एक आटे की लोई रखिए और उसे बेलन से चारों तरफ को एक हाथ से पिन्नी को पकड़ लीजिए और एक हाथ से बेलते हुए ऐसे आप चाहे जितने भी पतले पराठे पिन्नी पर बना सकते हैं। और बस धीरे धीरे ऐसे पिन्नी को छुटाइए और ये देखिए बिल्कुल इतने पतले पराठे बनेंगे और मुलायम कि आप हर बार इसी तरीके से अपने पराठे बनाएंगे। ये देखिए ये मेरे पतले बहुत पतले पतले पराठे बनकर तैयार हैं और इनमें चिकनाई भी बहुत कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये अब हमारे पराठे भी तैयार हैं। ये देखिए ये मेरा पराठा सीख गया और ये मेरी थाली तैयार है। आइए आप सभी भी खा लीजिए व्रत की थाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।